नित्या रुको, नित्या नित्या सुनो तो, तुम्हारी तो अरे दो मुझे दो पहले हाँ। दो नित्या नित्या प्लीज बात करो दे दो मुझे नित्या। हाँ बोल। अब भाई बिजी हो क्या? काम बोल यार। वो क्या है भाई, जिंदगी में पहली बार एड फिल्म कर रहा हूँ। मैं जो भी करता हूँ आपको बिना बताए नहीं करता ना। अभी मैं वेंकट के घर के पास हूँ, आप आ जाओ। ठीक है आ रहा हूँ। नित्या मेरी पिक्चर तुम लोगों ने बहुत अच्छे से की है, अब एक्टिंग भी अच्छे से करना ठीक है। ठीक है लो, अपना भाई भी टाइम पर आ गया। भाई आ जाओ, हमने बस शूटिंग शुरू की। आखिर तूने ऐड भी करना शुरू कर दिया, अब जल्दी फिल्म भी बना देगा। बस एक अच्छा सा प्रोड्यूसर मिल जाए तो फिल्म भी बन जाएगी। क्यों रे, शुरू करें, रेडी हो ना, एक्शन। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये सिर्फ मेरे दिल को ही पता है। काट, 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 काट। एक दूंगा ना तो सर घूम जाएगा तेरा। डायलॉग इसको देख कर नहीं, इसकी आंखों में देख कर बोलो, समझी? रेडी, नीचे हो, नीचे हो। हाँ बढ़िया से। मैं इसे देखती हूँ तो मुझे फीलिंग नहीं आती है। फीलिंग नहीं आ रही है, अभी तक तो आ रही थी। ए राजू, ए वीपी शूटिंग छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता। वीपी मतलब? वीपी मीन्स वेरी पावरफुल। यहाँ किसी पर गुस्सा करो या किसी की तारीफ करो तो वीपी बुलाते हैं। अच्छा समझी। भाई क्या है? आप कर दो ना। नहीं मुझसे नहीं होगा। Come, hey, let's go. अरे ये एक्टिंग है भाई, आपको करना ही होगा। प्लीज भाई, let's do this. Zoom कर। करता हूँ। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ये तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो मुझे महसूस होता है। मेरे दिल में जो प्यार है उसे शब्दों में बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं बोल पा रहे तो क्या, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। वो, ये क्या डिजाइन बना रही है तू? मेरा घर बहुत सुंदर है ना, इसलिए मैं घर के सामने रंगोली बना रही हूँ। मेरी रंगोली कैसी है? ये कोई रंगोली है? देखो ना इसमें कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। अरे फ्लावर्स कहाँ हैं? अरे भूल गई, अभी बना देती हूँ। राजू मुझे ये सीखना है। सुबो, नित्या को तुम रंगोली बनाना सिखाओगी? तुम जो कहोगे ना मैं सब सिखा दूंगी। अच्छा तू कुछ भी सिखा देगी, तुझे पता ये कौन है? वैसे ये लड़की कौन है? मेरी आंटी की लड़की है। नमस्ते जी। ये बात है तो फिर मैं सेफ हुआ। क्या मतलब? वो जिसके पास आईफोन होता है ना वो चाइना फोन नहीं चुराता है। आईफोन चाइना फोन क्या होता है? आईफोन मतलब आईफोन होता है और चाइना फोन मतलब चाइना फोन होता है। सही बोल रहा हूँ ना? चलो चलते हैं। बहुत हीरा लिया, रंगोली बना। राजू ये भी तुमने ही बनाई है ना? हाँ, दाढ़ी उतारने में आसानी होती है इसलिए। Oh my God, this is awesome. I can't believe this. अब खुश हो ना? Hey, thank you so much. अरे यहाँ खेती बाइक से करते हैं क्या? इंटरेस्टिंग। क्या रे, कौन है ये? नित्या, रिश्तेदारी समझ ले इसे। हाय। नमस्ते जी। तुम्हारी बाइक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका सारा क्रेडिट राजू को है, इसी ने बनाया है इसे। Really? सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीजों को बनाया है इसने जो यहाँ के किसानों के काम आती हैं। पढ़ा आर्ट तक है लेकिन दिमाग इंजीनियरों वाला। Really? That's great. I never expected that from him. You're really talented, Raju. Oh, sorry. आप इंग्लिश नहीं समझते ना? What you said about Raju is absolutely right. He has amazing talent. His inventions are useful to every villager. You know English? I did my masters from Chicago State University. वहाँ पढ़कर आप यहाँ? क्यों? उधर पढ़कर यहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं कर सकते? नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। इसी ने मुझसे कहा
तू शहर में जितना पैसा कमाएगा उतना पैसा तू यहाँ खेती करके कमा सकता है, और आज मैं नौकरी से ज्यादा पैसा यहाँ कमा रहा हूँ। इसका क्रेडिट जाता है राजू को, सच कहूँ तो आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स ग्रेट। चले हाँ, बाय, बाद में मिलते हैं। नित्या ये कैमरा दो, अब चलो। हाँ? आओ राजू, हाउ कुड आई कम, कैटवॉक पता है ना, वैसे ही करते हुए आ जाओ। अरे आओ, कुछ नहीं होगा। I made it. मैंने पहले ही कहा था ये मिलकर नहीं रह सकते, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सुनी? नहीं, किसी ने नहीं सुनी मेरी बात। अब अपनी आंखों से देख लो। क्या बात है, बोलिए। बोलने के लिए क्या बचा? मेरी बात तो सुनिए। अब तक हम लोगों ने तुम्हारी हर बात सुनी है। ए, तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जाके सामान समेट। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? क्या सुनूं मैं? तुमने ही बोला था दोनों को मिलाने की कोशिश करो। कोशिश की? क्या हासिल हुआ? क्या क्या हम नहीं चाहते कि दोनों साथ रहें, खुश रहें? अरे दोनों अब तक तो खुश ही थे ना। किसने कहा हम खुश थे? हम खुश नहीं हैं। अब तो बस जी रहे हैं। तुम पैदा हुए थे तब हम खुश थे, उसके बाद तुम जब तुम बड़े हुए तब भी हम खुश थे, लेकिन अब हम खुश नहीं हैं। वर्षों से तुम्हारी माँ को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, हमेशा तुम्हारी माँ के चेहरे पर झूठी मुस्कान देखी है, सच्ची मुस्कान कभी नहीं देखी। ये यहाँ तुम्हारे सामने जिंदा तो जरूर खड़ी है, लेकिन इसका दिल तुम लोगों के पास है। जब खाना खिलाने बैठती है तो मुझसे कहती है, सुनिए जी ये सब्जी मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है। जब आइसक्रीम वाले की गाड़ी घर के सामने से गुजरती है और जब बच्चे उसके पीछे भागते हैं तो कहती है, मेरा छोटा बेटा भी ऐसे ही भागता था। कोई भी बच्ची मेहंदी लगवाने आती तो कहती थी, मेरी बेटी भी जब तक मेरे हाथों से मेहंदी नहीं लगवा लेती तब तक छोड़ती नहीं थी। हर दिन हर वक्त बस तुम लोगों की ही बातें करती रहती थी, तुम लोगों की ही। लेकिन तुम्हें बुलाओ तो तुम लोग आते ही नहीं थे। तुम ही बताओ मैं क्या करता। इसीलिए वो बेचारी दुखी हो जाती थी, उसे इस तरह देखकर मैं भी दुखी हो जाता था। तुम ही बताओ मैं क्या करता। मेरे साथ तो ये वर्षों से है ना, अब ये तुम लोगों के साथ रहेगी। जब तक ये मेरी पत्नी रहेगी तब तक मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, इसीलिए ये सब करना पड़ता। कम से कम बच्चों के साथ रहकर खुश तो रहेगी। ले जाओ इसे। ये क्या माँ, पापा इस तरह से बोल रहे हैं और आप कुछ बोल नहीं रही हैं। अब मैं क्या बोलूं बेटा, शादी होकर सालों गुजर गए, बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर कभी भी एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। और आज तुम्हारे कारण मैं उनसे दूर हो रही हूं, और इसकी वजह तुम लोग ही हो। पर मैं जानती हूं कि वो मुझे गुस्से में तलाक नहीं दे रहे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहते। वो बस इतना चाहते हैं कि मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहूं। माँ तुम भी उन्हीं की तरह बोल रही हो, आखिर हमारी गलती क्या है माँ? जब हम दोनों एब्रॉड सेटल होना चाहते थे तब आप दोनों ने खुशी से सहमति दी थी ना माँ? आप ही लोग चाहते थे ना कि हम लोग अच्छी पोजीशन पर पहुंचे। ध्यान से सुनो, हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे नाम कमाए, ऊंचाई पर पहुंचे, पर कितनी ऊंचाई पर? बोलो कितनी ऊंचाई पर, जहाँ से माँ बाप दिखाई न दे इतनी ऊंचाई पर। प्लीज पापा, हम लोग आ नहीं पाते हैं इसलिए तो व्हाट्सएप पे फोटोज भेजते हैं, स्काइप पे बातें करते हैं। बेटा थाली में खाना देखते रहने से पेट नहीं भरता, खाना पड़ता है। पिताजी ऐसा नहीं है कि हम आना नहीं चाहते, लेकिन टाइम ही नहीं है। बहू दो दिन से तुम्हारे बेटे ने फोन नहीं किया तो तुम कितनी परेशान हो गई थी, याद है ना तुम्हें?
तुम्हारी परवरिश में क्या गलती कर दी मैंने जो मुझे ये दिन दिखा रहे हो? कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? माँ बाप के पास बच्चों को खुश होकर आना चाहिए, दुखी होकर नहीं। संक्रांति पर आओ, 10 दिन हमारे साथ रहो। उस 10 दिन की खुशी को हम पूरे साल तुम्हारी यादों में ही गुजार देंगे। पर तुम लोग आओगे कि नहीं आओगे, हमारे जिंदा रहते आओगे कि नहीं आओगे, वो दुर्भाग्य बन गया है हम जैसे माँ बाप का। हमारे हेडमास्टर प्रकाश राव मर गए थे, उनके बच्चे विदेश से नहीं आए थे। जानते हो उनका दाह संस्कार कैसे किया गया? जैसे अनाथों का दाह संस्कार होता है वैसे किया गया था। कल की पूजा में पंडित ने आशीर्वाद दिया था कि 100 साल जियो। 100 साल जीने से कुछ नहीं होता है, जीने के चंद पल अपनों के साथ मिल जाए बस, फिर क्या, उससे बड़ी खुशियां कभी हो ही नहीं सकती है। और अगर ऐसे ही जीना है तो ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। पापा, हम लोग कभी दिल करता था कि आपके पास आए, लेकिन टाइम नहीं है ना बेटा, हर तीसरे महीने के बाद मौसम बदलता है। जो तनख्वाह देता है उसके लिए 4 घंटा ओवर टाइम कर सकते हो, और जो तुम्हारे लिए जीता है उसके साथ बिताने के लिए 4 पल भी नहीं। बेटा, अब हम दोनों 5 या 10 साल और जिएंगे। अगर साल में एक बार भी आ जाओ तो हम दोनों अपनी बची खुची जिंदगी कुछ साल और जी लेंगे। कम से कम ये मौका तो हमसे मत छीनो। मम्मी, सॉरी पिताजी, हम लोग वक्त के साथ दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चले गए, एहसास ही नहीं रहा। स्कूल से आते वक्त कभी आधा घंटा लेट हो जाऊं तो मम्मी बहुत परेशान हो जाती थी। ऑस्ट्रेलिया से आने में मुझे इतनी देर हो गई, मैं समझ सकती हूँ कि मम्मी को कितनी तकलीफ हुई होगी। मुझे माफ कर दो मम्मी, प्लीज। जब मैं गणित में नंबर 1 आता था तो आप मुझे शाबाशी देते थे, तब लगता था कि गणित ही सब कुछ है, लेकिन जिंदगी का गणित मैं नहीं पढ़ पाया। आई एम सॉरी पापा। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनके साथ रहें। अब हम भी रहेंगे, हमारी वजह से आप लोग अलग मत होइए, प्लीज प्लीज। आप वो नोटिस वापस ले लीजिए। वो बात बड़े पापा को पता ही नहीं। वो नोटिस मैंने भेजा है। तू पागल तो नहीं हो गया बेटा? तूने उन्हें क्यों भेजा? ताकि इन दोनों का दर्द ये लोग समझ सके। आप दोनों ने घर में बात करना बंद कर दिया था, आप लोग घर में खामोश घूम रहे थे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मुझसे सहन नहीं हो रहा था। जब से होश संभाला है आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, लाइफ में फर्स्ट टाइम नदी के किनारे आपकी आंखों में आंसू देखे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। गांव में कोई प्रॉब्लम हो तो लोग आपसे कहते हैं ना, तो आप अपने दिल का दर्द किसको बताएंगे? आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे, इसलिए मेरे दिल में बहुत दुख हुआ, इसलिए ऐसा किया। मुझे माफ करना बड़े पापा, बड़ी माँ, आप लोगों की कोई जायदाद नहीं मांग रहे हैं, बस थोड़ी सी खुशी मांग रहे हैं। अगर ये आप इन्हें दे देंगे
तो ये लोग भी खुश और हम लोग भी। सबकी खुशियों के बारे में सोचने वाला अपना दुख क्यों छुपा रहा है? मुझे क्या दुख है? जिस लड़के से प्यार करता है उसे दूर होकर दुख नहीं होगा। नित्या से प्यार करता है, ये बात तूने क्यों छुपाई? प्यार सिर्फ नित्या का ही नहीं है ना, आप लोगों का भी प्यार है। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। बेटा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम इसके बारे में क्या जानती हो, जो इसे दामाद स्वीकार करने के लिए इनकार कर दिया। आप लोग अपनी खुशी जायदाद और पैसों में ढूंढते हो, पर ये 10 लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। तुम्हारा इससे दूर दूर तक कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सबका भला चाहता है। बहुत बड़ा दिल है इसका, ऐसा दामाद तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैंने जिससे प्यार किया उसी से शादी की। प्यार की कीमत मैं जानती हूं, लेकिन तुम दोनों के प्यार को मैं समझ नहीं पाई। सॉरी राजू, हमारी नित्या से शादी करोगे? क्यों बेटी, तुमने राजू से प्यार किया है उसी से शादी करोगी, हैप्पी ना? मैं राजू से प्यार करती हूं, किसने बोला? अगर ये मुझसे प्यार करता तो मुझसे बोल सकता था ना, लेकिन नहीं बोला। नहीं बोला तो क्या हुआ, अभी बोल देगा ना ये? बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो। हाँ बोलू। मुझे हनी कहकर बुलाओगी? बुलाऊंगी। ये हुई ना बात, आप जल्दी से पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवा देते हैं ना। रुक रुक, जल्दबाजी मत कर। इनकी शादी कैसे करनी है, कब करनी है, मुझे पता है।